भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 80वां जन्मदिवस गुरुवार को समाजवादी पार्टी के बेतिहाता कार्यालय पर केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। इस दौरान सपाइयों ने जमकर केक की होली खेली। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज से पदयात्रा निकाला गया। मंडलायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। नेताजी के 80वें बर्थडे पार्टी में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, जियाउल इस्लाम, सदर सांसद प्रवीण निषाद, जवाहरलाल मौर्य, फिरंगी प्रसाद, शारदा देवी, अवधेश यादव, यशपाल रावत, जफर अमीन टक्कू, रूपावती बेलदार, मैना भाई, राघवेंद्र तिवारी राजू, शकील अंसारी, राजकुमारी देवी, विक्रम यादव, देवेंद्र भूषण निषाद, देश दीपक यादव, जानकी यादव, सुमन पासवान सहित अन्य समाजवादी सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, नेताजी को बधाई हो, 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 धरती पुत्र को बधाई हो, बधाई हो, धरती पुत्र को आज नेताजी का जन्मदिन खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। केक कट रहा है, लड्डू बंट रहा है और नेताजी के संघर्ष को देखते हुए गोरखपुर में जो 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था उसको चालू न करने के कारण तमाम बच्चे भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। पदयात्रा हम लोगों ने 10 किलोमीटर का किया है मेडिकल कॉलेज से कमिश्नर के यहाँ तक और कमिश्नर के माध्यम से मंडलायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को। राज्यपाल महोदय को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इंसेफ्लाइटिस वार्ड चालू कराया जाए।